नमस्कार, मैं हुदनशिर के केआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्राइम ब्रांच ने भोपाल के आसपास के किसानों से ठगी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि पिता पुत्र की गैंग करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है। हालांकि गैंग से पुलिस नकदी बरामद नहीं कर सकती है। पुलिस ने पिता पुत्र के साथ बैंक खाली फ्रीज करवाए है। प्रारंभिक जांच जानकारी में पुलिस को बैंक खाते में करीब 13 लाख रुपए जमा होने की जानकारी मिली है। भोपाल के 64 किसानों से मछली पालन में मुनाफे की स्कीम बताकर कंपनी में निवेश करने वाले बाप बेटे को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने 7 बैंक खाते फ्रीज कराए हैं। पुलिस को बैंक खाते में करीब 13 लाख रुपए जमा होने की जानकारी मिली है। गैंग किसानों को मछली पालन की फर्जी स्कीम बताकर अपनी कंपनी में निवेश करा ठगरी करता था। पिता पुत्र भोपाल समेत आसपास के जिलों के 64 किसानों के साथ ठगी की है। दोनों गुड़गांव की फॉर्च्यून प्रोड्यूस कंपनी के लिए काम करते थे। ये कंपनी देश के 6 राज्यों में 250 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है। कंपनी के खिलाफ मध्य प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, विदिशा, धार, सागर और छिंदवाड़ा में किसानों के साथ जालसाजी करने के अपराध है। पुलिस के मुताबिक द्वारकाधीश कॉलोनी न्यू जेल रोड में रहने वाले प्रहलाद शर्मा और उनके बेटे शुभम शर्मा को कोयफिजा इलाके ने गिरफ्तार किया है। प्रहलाद के खिलाफ जालसाजी के 10 जबकि उसके बेटे के खिलाफ 4 केस दर्ज है। जी, दरअसल ये फिशरीज में ठगी को लेकर स्पेशली MLM के स्कीम के बेसिस पे जो है ये पहले एक FIR की गई थी। इस FIR में 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। पहले भी 2 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई थी, बाकी जो लोग हैं वो फरार चल रहे हैं। इसमें मुख्य आरोपी हैं आपको विजेंद्र कश्यप और विनय शर्मा, ये जो है अभी भी फरार हैं। और जो 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, प्रहलाद शर्मा हैं और इनके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं, इन सभी के जो है इनके बेटे हैं। बेसिकली ये दोनों जो है इनके अकाउंट में रेगुलर ट्रांजेक्शन्स होते थे, लगभग लाखों के ट्रांजेक्शन्स थे। पूरा का पूरा ये MO कुछ इस तरीके से था कि पौंड बनाने को लेकर आधा एकड़ एवं 1 एकड़ में लगभग 5.5 लाख या 11 लाख रुपए जो लेते थे। और इनका पूरा का पूरा MO था कि ये 15 किस्तों में 35-35 हज़ार रुपये करके इनको वापस करेंगे। कुछ को पैसे मिले थे वापस और कई को जो है पैसे फिर नहीं मिले थे, पूरे ये पैसे लेकर के भाग गए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में इनकी गिरफ्तारी की गई है। आगे भी जो व्यक्ति हैं इनके ऊपर बेरासी तरह से की कार्रवाई, इनाम उद्घोषणा की कार्रवाई की जा रही है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लगभग 340 जो है अभी डेटा है कि 340 तालाब बनाने को लेकर के हुआ था, तो लगभग 340 व्यक्तियों की जो है इसमें जो है निशाना बनाया गया था प्रत्यक्ष रूप से। और भी जो कोहेफिजा में लैपटॉप और जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज है वो जब्त हुए हैं। इनसे और डिटेल्स जो है निकाली जा रही है फॉरेंसिक के माध्यम से, और भी जैसे जिन जानकारी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी और भी जिस तरह से फॉरेंसिक जब होगा कंप्यूटर का, तो जो भी एक्सेल फाइल के बेसिस पे जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके बेसिस पे और जो है जानकारी मिलेगी। ट्रांजेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा की जो है लगभग 6 खातों में मिले हैं और इसके और जानकारी मिले। नकदी नकदी नहीं इनकी हुई है, लेकिन इनसे अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनसे जब्ती हो सकती है। कितने खाते इनके सीज किए गए हैं? अभी तक 6 खातों की जानकारी है। फ्रीजिंग के लिए जो है इनके 2 अकाउंट्स, अभी जो प्रहलाद शर्मा है और जो दूसरे व्यक्ति हैं, इन सभी की जो है जो भी खाते हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। जो भी जब्ती है वो समय अनुसार की दोनों बाप बेटे बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह से जो है ये जो किसान है उसका जो आपने आंकड़ा, अभी जो जानकारी है उसमें मध्य प्रदेश की है, बाहर की और भी जो भी जानकारी है वो ली जा रही है। बिल्कुल 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 बढ़ सकता है। जैसे फॉरेंसिक होगा लैपटॉप का, तो और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके जो इनके साथ इन्वॉल्व थे उसकी डेटा और आ सकती है। इसके बारे में जानकारी आयोग से ली जा रही है। दरअसल जो है यूजुअली जो है कैश का किस तरीके से इन्होंने मोबिलाइज किया है, कैश किस तरह से इन्होंने जो है दूसरे अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन कर दिया है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी जो है ध्यान में रख के जो है बिल्कुल इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है इनका पूरा का पूरा ट्रेल जो है मनी का रहा है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र 12वीं तक पढ़े हैं। दोनों ने पूछताछ में किसानों से ठगी करने की बात कबूली है। शुभम शर्मा ने बताया कि करीब 84 लाख रुपए उनके किसानों से ठगी की रकम अपने बैंक खाते में डलवाई है। मामले में गैंग के 2 आरोपी कंपनी का संचालक गुड़गांव निवासी ब्रजेंद्र कश्यप, सहायक संचालक धर्मेंद्र ठाकुर पूर्व में किसान हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। भोपाल से संवाददाता जय किशन शाक की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।